दोस्तों, क्या हो अगर किसी देश में अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, उस देश के सारे रिसोर्सेज, करेंसी और असेट्स खत्म हो जाएं। ये चीज़ सोचने में भी कितनी अजीब लगती है, बट अगर ऐसा हो जाए तो सोचो उस देश के लोगों की सिचुएशन कैसी होगी। ऐसी सिचुएशन में हर देश को एक एक्सटर्नल सपोर्ट की नीड होगी, कुछ फंड्स और रिसोर्सेज की जरूरत होगी ताकि वो वापस से अपनी इकोनॉमी और बिजनेस सेटअप कर पाएं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अफेक्टेड कंट्रीज का भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ था। तब जो हेल्पिंग हैंड की तरह सामने आया था वो था वर्ल्ड बैंक। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। जनरली जब आप बैंक वर्ड सुनते होंगे तो आपके माइंड में आता होगा आपका बैंक, जहां आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो आप अपने बैंक के पास जाके बहुत सी सर्विसेज ले सकते हैं, लाइक आप किसी भी टाइप का लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन, कार लोन एटसेट्रा। वेल, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंडिंग और नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी इंटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देकर पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि जेन्युइनली उनकी हेल्प करना होता है। इसलिए ये कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट्स भी देता है। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में हुआ था। इनिशियली इसका नाम IBRD था, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए IBRD को बनाया गया था। IBRD बहुत अच्छे से काम कर रहा था और एक्सपेंड कर रहा था। अब इसका फोकस रिकंस्ट्रक्शन से शिफ्ट होकर डेवलपमेंट की ओर आ रहा था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, डैम्स एटसेट्रा। इसी इंटेंशन से 1960 में IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को बनाया गया, जिसका काम था पुअर कंट्रीज को लो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना। आज की डेट तक भी इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिला के जो बनता है उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ओवर द ईयर्स IBRD और IDA के साथ साथ तीन और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिनका नाम है IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA यानी मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये सब पांचों इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर जो बनता है उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं, और IBRD और IDA को मिलाकर जो बनता है उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। चलिए अब इन पांचों इंस्टीट्यूट्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD में 189 कंट्रीज की मेंबरशिप है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, जो कि लो इनकम कंट्रीज को लोन, गारंटी, एडवाइस और रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। IBRD हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करता है और हर प्रोजेक्ट के हर स्टेज में टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टीज ऑफर करता है। IBRD सिर्फ गवर्नमेंट से ही डील करता है, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डील नहीं करता, एंड IBRD पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है। इंडिया IBRD का फाउंडिंग मेंबर है। IBRD ने इंडिया को 1949 में लैंड करना स्टार्ट किया था। इंडिया में IBRD की हेल्प से फर्स्ट प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे स्टार्ट किया गया था। 1960 के बाद से ही इंडिया के लिए IBRD लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंडिया IBRD और IDA दोनों से ही लोन लेने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को ग्रांट्स और कंसेशन लोन्स प्रोवाइड करना। इसके बाद है IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC का मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करना होता है। ये प्राइवेट सेक्टर को फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं और एडवाइजरी भी देता है। IFC की एक्टिविटीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प करती है। इंडिया IFC का एक फाउंडिंग मेंबर है। IFC ने इंडिया में बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर्थ है MIGA यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। MIGA का मिशन डेवलपिंग कंट्रीज में FDI को प्रमोट करना है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एक देश की कंपनी या इंडिविजुअल का किसी दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करना। इसे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। MIGA पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस भी करता है, लाइक वॉर, टेररिज्म या सिविल डिस्टर्बेंस से होने वाले लॉस को कवर करता है। इंडिया 1994 में MIGA का मेंबर बना था। फिफ्थ इज ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जब भी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें एक रिस्क भी होता है कि अगर वो कंट्री अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती या फिर पेमेंट में कोई फॉल्ट करती है तो इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। ICSID इन्हीं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करता है। ICSID फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉज बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प भी करता है। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ICSID की फंक्शनिंग बायस्ड होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप किया हुआ है। ब्रिक्स में ये सब कंट्रीज मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप को तो समझ लिया, बट आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये पैसा लाता कहां से है।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप बहुत से सोर्सेज से फंड रेज करता है। वो अपनी मेंबर कंट्रीज से लोन लेता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स के थ्रू भी फंड जनरेट करता है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अच्छी रेपुटेशन और गुडविल है और इसके पास अच्छे रिजर्व्स भी हैं, तो कंट्रीज वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ईजिली फंड्स दे देती हैं। वो इसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट मानती हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को मेंबर कंट्री से कंट्रीब्यूशन भी मिलता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पास खुद के भी रिजर्व्स होते हैं जिनको इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट करता है। अब समझते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट इज मेंबरशिप। जो कंट्री लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए। आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। सेकंड इज क्रेडिट वर्दीनेस। कंट्री की अच्छी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए ताकि वो लोन को रीपे कर पाए। इसको चेक करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उस कंट्री की फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एटसेट्रा। थर्ड इज डेवलपमेंट गोल्स। कंट्री के पास अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का प्लान होना चाहिए एंड पॉवर्टी कम करने का भी प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। कंट्री में पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट है नीड। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए लोन लिया जा रहा है वो कंट्री के लिए हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लोगों को जनरली लगता है कि ये दोनों सेम हैं, तो चलिए समझते हैं कि IMF क्या होता है और कैसे ये वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट होता है। IMF एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। इसके लिए ये कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक और IMF में डिफरेंस है कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रीज को लोन देकर उनकी हेल्प करता है, जबकि IMF शॉर्ट टर्म लोन देकर कंट्रीज की हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस पॉवर्टी रिड्यूस करना है, जबकि IMF का मेन फोकस इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन और करेंसी को स्टेबलाइज करना होता है। दोस्तों, आपकी डिमांड पे हमने वर्ल्ड बैंक के ऊपर ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते रहिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ।